सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर त्यागी तन्हा। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ये हमने अभी 2 दिन पहले पानी लगाया और ये 24 से 36 घंटे के बीच पानी सूख गया। इसमें अभी आप वीडियो में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, आप हमेशा हम पूरब से पश्चिम की तरफ पानी देते हैं या पश्चिम से पूरब की तरफ देते हैं, तो जिधर से भी आप पानी देते हैं यानी कि उसके दूसरी तरफ एक फुट की एक नाली ज़रूर रखें। होता यह है कि जब हमारा दूर से पानी आता है इन नालियों में तो कहीं कम या ज्यादा हो जाता है। अगर वो कम है तो हम दूसरी तरफ से उसको घुमा के पानी को ला सकते हैं, ज्यादा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये दूसरा पानी है, ये 25 सितंबर को बोया हुआ गन्ना है और इसमें खासकर 2-3 पानियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप लोग जो हैं एक छोटी नाली जरूर रखें जिससे पानी की निकासी होती है। आप उसे अगली वीडियो में देखेंगे इसमें हमने पानी किस तरह से दिया है। अगर आप पानी को कम मात्रा में देंगे तो इसमें इसके जो गन्ने का फुटाव होता है वो फुटाव जल्दी से होता है और गन्ना आराम से बढ़वा लेता है, और अधिक पानी होने से गन्ने की कंडीशन में थोड़ा ठहराव आता है। मुख्य बात केवल इसमें यही है कि आप जब पानी दें तो एक छोटी नाली आप उसके दूसरी तरफ दूर रखें जिधर से आप पानी दे रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइड में। पूरब से दे रहे हैं तो पश्चिम में रखें, पश्चिम से दे रहे हैं तो पूरब में रखें। धन्यवाद दोस्तों।